भारत का दोस्त रूस देगा चीन और पाकिस्तान की बर्बादी का सामान। पुतिन ने दिया भारत को स्टिल्थ विमान का सबसे भयंकर ऑफर। स्टिल्थ SU-57 विमान और S-400 का ऐसा शानदार कॉम्बो पैक भारत की सीमाओं को बना देगा अभेद्य। फेल हो जाएंगे चीनी षड्यंत्र। दोस्तों, चीनी J-20 और पाकिस्तान के पास जल्द आने वाले तुर्की का कान फाइटर जेट और चीनी J-31 को देखते हुए भारत में जिस तरह से स्टिल्थ विमानों की जरूरत पड़ रही है और भारत के लिए ये बड़ी टेंशन वाली बात है। भारत को अब स्टिल्थ तकनीक से लैस विमानों की जरूरत है। भारत इसके लिए कई देशों के साथ बात कर रहा है। इसके लिए अमेरिका, फ्रांस और कई देशों के संयुक्त प्रयास से बना यूरोफाइटर भी रेस में है। लेकिन इन सबके बीच भारत की ये टेंशन रूस दूर करने वाला है। रूस काफी समय से भारत को SU-57 को लेकर ऑफर दे रहा है, लेकिन अब जो रूस ने कहा है उसने भारत का दिल जीत लिया है। भारत पहले से ही रूस का S-400 सिस्टम यूज कर रहा है, लेकिन अब रूस ने SU-57 स्टिल्थ फाइटर जेट और S-400 को लेकर एक नया धमाकेदार ऑफर दिया है, जिसके बाद चीन की बोलती बंद हो गई है। क्या भारत LOC पर तैनात करेगा S-400 के साथ SU-57 योद्धा? चीन की बैलिस्टिक मिसाइलों को खा जाएगा S-400, जवाब देगा स्टिल्थ सुखोई 57। दोस्तों, जैसा आप जानते ही हैं कि किसी भी जंग में स्टिल्थ तकनीक से लैस विमान मजबूत भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये तमाम क्षमताओं से लैस होते हैं और इन्हें रेडार से पकड़ पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा ये कई तरह के खतरनाक मिसाइलों और बम को ले जाने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, रूस ने अपने इन विमानों को बेहद ताकतवर बना लिया है और चीन बिजली की रफ्तार से J-20 फाइटर जेट बना रहा है और अभी तक 250 J-20 फाइटर जेट बना चुका है और ऐसा दावा है कि चीन 1000 J-20 फाइटर जेट बनाने वाला है। वहीं सीमा में उसने इन विमानों को तैनात भी कर दिया है, जिसे देखते हुए भारत अब रूस से स्टिल्थ विमान को खरीदने के लिए मन बना सकता है। वहीं दुनिया के कई देश भारत को अपना विमान बेचना चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि जब तक भारत ने फ्रांस के राफेल को नहीं खरीदा था तो उसे कोई पूछ भी नहीं रहा था, लेकिन जब से भारत ने इसे खरीद लिया है तब से राफेल विमान को खरीदने को लेकर होड़ मची हुई है। वहीं अगर पांचवी पीढ़ी के विमानों की बात करें तो अमेरिका इस मामले में अपना F-35 देने में आनाकानी कर सकता है, क्योंकि भारत रूस से S-400 सिस्टम खरीद चुका है और अमेरिका ने ऐसा करने पर तुर्की को इस डील से बाहर कर दिया है। इसलिए अब रूस भारत को अपना सुखोई 57 ऑफर कर रहा है। वहीं S-400 रूस के सुखोई 57 के साथ देश की सुरक्षा को बेहद मजबूत बना देगा। इसकी वजह यह है कि रूस भारत में अब इसके पुर्जे और मेंटेनेंस के लिए समझौता करने वाला है, जो सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा कदम साबित होने वाला है। इसीलिए पूरी संभावना है कि भारत सुखोई 57 के लिए डील जल्द कर सकता है। कितना घातक है रूस में बना ये लड़ाका? भारत आया तो कितना ताकतवर हो जाएगा भारत? दरअसल SU-57 फाइटर जेट को एक पायलट उड़ाता है। इसकी अधिकतम गति 2135 किलोमीटर प्रति घंटा है। हैरानी की बात यह है कि यह सुपरसोनिक स्पीड में 1500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, यानी दुश्मन के इलाके में तेज गति से हमला। इसकी जो लिमिट है वो 9.0 है। SU-57 फाइटर जेट की लंबाई 65.11 इंच है, जबकि विंग स्पैन 46.3 फीट है और इसकी ऊंचाई 15 फीट है। ये दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है, क्योंकि इसमें बेहतरीन एवियोनिक्स, एंटी रेडार तकनीक और हथियारों का समावेश किया गया है। रूस का ये स्टिल्थ फाइटर जेट अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, यानी अधिकतम ऊंचाई से भी दुश्मन पर सीधा हमला। ये किसी फाइटर जेट की उड़ान के लिए अब तक की सबसे ज्यादा ऊंचाई है। ऐसी ऊंचाई पर फाइटर जेट को आसानी से देखा नहीं जा सकता। इसके अंदर 30 mm की ऑटो कैनन लगी हुई है, यानी दुश्मन के फाइटर जेट टैंक या बख्तरबंद वाहन पर ताबड़तोड़ गोले बरसा सकती है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, 6 अंदर और 6 बाहर।
हवा से हमावे मार करने के लिए अत्याधुनिक R-77M, R-74M2 या इस डेलिए 810 मिसाइल लगा सकते हैं। हवा से सतह पर मार करने के लिए 4 KH-38M या KH-59MK2 मिसाइल लगा सकते हैं। यानी आसमान से जमीन या जंगी जहाज पर हमला करना आसान है। इसके अलावा 2 एंटी शिप KH-35U सीरीज के मिसाइल लगा सकते हैं। इसके अलावा इस फाइटर जेट में एंटी रेडिएशन गाइडेड, अनगाइडेड क्लस्टर बॉम्ब, एंटी टैंक बॉम्ब और एक्टिव होमिंग बॉम्ब लगाए जा सकते हैं। यानी दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाने के सारे हथियार इसमें मौजूद हैं। SU-57 पर 43 बदलाव करने जा रहा है रूस। दोस्तों कहा जा रहा है कि भले ही भारत रूस से SU-57 को कम संख्या में खरीदे, लेकिन ये डील हो सकती है, क्योंकि अब से कुछ साल पहले रूस ने भारत को इस लड़ाकू विमान का ऑफर दिया था, लेकिन उस वक्त भारत ने इसे ठुकरा दिया था। ठुकराने के कारण ये थे कि इस लड़ाकू विमान में कम से कम 43 खामियां पाई गई थी। जी हाँ, इतनी इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी और रूस उन इम्प्रूवमेंट को अब करने में लगा पड़ा है। बताया जा रहा है कि रूस इसमें अब बेटर सेंसर्स लगाने वाला है। इसकी जो नेटवर्किंग है उसे और ज्यादा मजबूत कर रहा है। इसके अलावा जो इसके कॉम्बैट एवियोनिक्स हैं, उनमें भी एडवांसमेंट लाई जा रही है। इसके अलावा उसके डिजाइन में भी कई सारे इम्प्रूवमेंट्स ऐड किए जाएंगे। हालांकि उसमें अभी रूस लगा पड़ा है, ये कब तक कंप्लीट होगा इस बारे में जानकारी नहीं है। भारत में भी होगा S-400 का मेंटेनेंस। साथ तैनात हो सकते हैं SU-57 विमान और S-400। SU-57 विमान और S-400 ये दोनों भारत की सुरक्षा को बेहद मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि देश पहले से ही रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इसी वजह से इस बात की संभावना जताई जा रही है कि भारत इस विमान को खरीद सकता है। जहां दुनिया के 3 देश ही इस विमान को बनाने में कामयाब हो सके हैं, उनमें से रूस देश का सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर है, जबकि S-400 सिस्टम की वजह से अमेरिका तक इसके लिए आनाकानी कर सकता है। वहीं चीन तो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों अब 2 रूसी हथियार देश की सुरक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। उनमें से एक S-400 भारत पहले से ही इस्तेमाल कर रहा है, जो दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। रूस इसके लिए भारत के साथ करार करने वाला है, जिसके तहत भारत अब इस खतरनाक सिस्टम के पुर्जे देश में ही बनाने वाला है और इनसे मेंटेनेंस के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में मदद करेगा। रूस ने अब तक ऐसा करार किसी और देश के साथ नहीं किया है। वहीं S-400 के एडवांस्ड वर्जन S-500 को खरीदने की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। ऐसे में पहले से तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व काफी बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।